Hi guys, you are most welcome in your YouTube channel CPIE by Nagin sir. Today we are going to study our JK subject, that means general knowledge. हमारा सामान्य ज्ञान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक सम्मान हम अपने तिरंगे को दे सकते हैं. जय हिंद गाइस, चलते हैं अपनी जीके की विषय सूची पर कि आज हम 8th क्लास की जीके बुक में क्या क्या अध्ययन करने जा रहे हैं. हमने अपनी विषय सूची को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम नेचुरल वर्ल्ड के विषयों पर बातचीत करेंगे और उन्हें समझेंगे. यूनिट सेकंड में हम अपनी इंडिया आवर मदरलैंड इस टॉपिक्स के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, समझेंगे और उन्हें जानेंगे. आगे चलते हैं यूनिट थर्ड पर, जिसके अंतर्गत हम अपने आर्ट और कल्चर, भारतीय संस्कृति और कला को अध्ययन करेंगे. यूनिट फोर में हम अपने फैशन डिजाइनिंग और इससे संबंधित विषय वस्तु को जानने की कोशिश करेंगे. यूनिट फाइव की बात करें तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अपने स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का, मोस्ट क्रेजिबल टॉपिक्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. यूनिट सिक्स में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके बिना आज हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. यूनिट सेवन पर चलते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने वर्ल्ड अराउंड अस के रूप में एक यूनिट बनाएंगे और उसे चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे. एंड एट लास्ट यूनिट एट में हम अपने ब्रेन शार्पनर यानी कि अपने मस्तिष्क की तीव्रता संबंधी विषयों को लेंगे और उसका परीक्षण करेंगे. चलते हैं यूनिट फर्स्ट पर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा जिसे हम आंसर के साथ अध्ययन करेंगे. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट एम आई, दैट मींस मैं कौन हूं. यहां कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिनके आधार पर हम ब्रैकेट से सही विकल्प चुनेंगे, यानी कि एक कथन कहा जाएगा और उसके आधार पर कुछ ब्रैकेट्स में विकल्प दिए गए होंगे जिनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है. टिक द करेक्ट आंसर, दैट्स मीन्स नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें जानना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इन इंडिया बट आई ईट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड एवरी डे. दैट मीन्स मैं भारत में सबसे विशाल मगरमच्छ हूँ, लेकिन मैं एक दिन में कम से कम भोजन करता हूँ. ब्रैकेट में उन्होंने हमें दिया है एक प्रकार का मगर, यानी कि मगर, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, खारे पानी में रहने वाला मगर या फिर घड़ियाल, तीनों में से हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प सही है. गैस करेंगे, आंसर इज साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी कि खारे पानी में रहने वाला जो मगर है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है. सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, द बोन लाइक कार्टिलेज इन माय बॉडी इज बिलीव्ड बाय मेनी टू बी अ क्योर फॉर कैंसर. बहुत लोगों द्वारा विश्वास किया जाता है कि मेरी कड़ी लचीली हड्डी द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है. ऐसा कौन सा जलचर है जिसकी हड्डी का इस्तेमाल हम कैंसर क्लास के लिए करते हैं. फर्स्ट इज ऑक्टोपस, ब्लू व्हेल एंड हैमर हेड शार्क. आंसर इज हैमर हेड शार्क, हथौड़े के जैसे सर वाली जो मछली शार्क है उसका इस्तेमाल कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है. थर्ड स्टेटमेंट इज आई एम द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव टू अ ह्यूमन. मैं मानव जाति के सबसे नजदीक रहने वाला हूँ, घुल मिलकर रहने वाला हूँ. I can recognize myself in a mirror. मैं शीशे में, दर्पण में अपने आप को पहचान सकता हूँ. एंड यूज gestures टू कम्युनिकेट, उसमें जो कुछ भी हाव भाव दिखाई दे रहे हैं मैं उन्हें संचारित कर सकता हूँ, उनकी नकल कर सकता हूँ, उन्हें कॉपी कर सकता हूँ. ऑरेंज, यूब्लेन, चिंपेसी, बाबून, तीनों में से क्या हो सकता है? चिंपेंसी यानी कि वन मानुष ऐसा कर सकता है बहुत आसानी के साथ. हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है आई एम द फास्टेस्ट लैंड वेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड.
कि मैं संसार में पृथ्वी पर दौड़ने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूँ। आई एम नाउ एक्सटेनेक्ट इन इंडिया, और अब मैं भारत में विलुप्त होने लगा हूँ। ब्रैकेट में दिया गया है चीता है, वॉल्फ डियर, चीता है, भेड़िया है या हिरन है? आंसर इज चीता। यस माय गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम ऑल्सो नोन एज नानूक एंड माई स्टोमक सपोर्ट 20% ऑफ माई टोटल बॉडी वेट। मुझे नानूक के नाम से जाना जाता है और मेरे शरीर का जितना वेट है उसमें से 20% वेट मेरे पेट का है, और सील स्किन इज माई फेवरेट फूड। सील स्किन समुद्री जानवर की जो एक स्किन होती है वह मेरा पसंदीदा भोजन है। बताओ मैं कौन हूँ? ब्रैकेट में दिया गया है पोलर बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर या ग्रीसी बियर? आंसर इज पोलर बियर। यस माय गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम ए वेनोमाउस लिजार्ड नेटिव टू पार्ट्स ऑफ द यूएस एंड मेक्सिको। मैं एक ऐसा विशाल बिसेली छपकली के जैसा हूँ और यूएस और मैक्सिको के क्षेत्रों में रहता हूँ। मेरा नाम बताएं, गेको, गीला मॉनिस्टर या चेमिलियन? आंसर इज गीला मॉनिस्टर, विशाल बिसेली छिपकली इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, आई वॉज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट लॉन्ग बिफोर हॉर्सेस। मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसे घोड़े से भी पहले ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि सामान को ढूंढने का काम मैं करता था। एज ए मेल मैं पुरुष यानी कि नर जाति से हूँ। आई एम ए जेकस, द फीमेल ऑफ माई स्पेसिस इज कॉल्ड ए जेनी, नरगधा जिसे कहते हैं, और मेरी फीमेल को जेनी के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में जैकल डंकी एंड कैमल। व्हाट इज शियार यानी कि गीदड़ है, ऊंट है, डंकी गधा है? आंसर इज डंकी इज राइट। स्टेटमेंट 8 पर चलते हैं और स्टेटमेंट में है ए मड पपी इज रियली अ सलामेंडर डॉग रेट। ये 3 ऑप्शन हमें इसी में ब्रैकेट में दे दिए गए हैं, डबल ब्रैकेट है बेटा, ध्यान रखेंगे। ए मड स्कीपर इज अ स्नेक फिश फ्रॉग। आंसर इज बेस्ट सलामेंडर एंड सेकंड ऑप्शन इज फिश इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। 9 आई एम ऑल्सो कॉल्ड ए गिनू। आई एम कॉल्ड ए गिनू, गिनू मीन्स बैल के समान एक मृग। इन मे एंड जून ईच ईयर, मई और जून में हर वर्ष, आई माइग्रेट बिटवीन द सेरेंजेटी प्लेन्स ऑफ तंजानिया। माइग्रेट में चला जाता हूँ सेरेंजेटी प्लेन्स, सेरेंजेटी के मैदानों जो तंजानिया में है, एंड एरियाज फर्दर नॉर्थ टू सूटेबल ग्रासिंग लैंड, या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पर चारागाह भरे भूमि चारों तरफ से होती हैं। और ब्रैकेट्स में दिए गए हैं बेटा जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट एंड जिराफ। तो आंसर ऑलरेडी आ गया है नीचे, वाइल्ड बीस्ट, यह आपको गैस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम एन एंडेंजर्ड एनिमल। मैं विलुप्त होता प्राणी हूँ। आई लिव इन साउथ ईस्ट एशिया, मैं साउथ ईस्ट एशिया में रहता हूँ। एंड आई हैव द लॉन्गेस्ट हॉर्न, मेरे बड़े बड़े सींग हैं, ऑफ एनी लिविंग बोवाइट इन द वर्ल्ड, जो संसार में रहते हैं उनमें कंपेरिजन किया जाए तो मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। ब्रैकेट में एशियाटिक बफेलो, ब्लैक बुक और नील गाय? आंसर इज एशियाटिक बफेलो, एशिया क्षेत्र में पाई जाने वाली बफेलो। नेक्स्ट है आई स्वीप एंड ग्लेड स्टीयरिंग विद माई टेल बट आई कांट फ्लाई। आई स्वीप में झपट्टा, मैं झपट्टा मारता हूँ, एंड क्लीट सरकता हूँ, स्टीयरिंग विद माई टेल पूंछ की सहायता से आगे बढ़ता हूँ। वट आई कांट फ्लाई, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, कौन हूँ बताइए? फ्लाइंग स्पैरल, मंकी, लिजर्ड? आंसर इज फ्लाइंग स्पैरल।